हेलो गाइस, हम हैं अजय यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन एजुकेशन, मुजफ्फरपुर। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको जो बोलते हैं MOT। क्या बोलते हैं इसको? MOT क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों। तो देखिए बच्चों, क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? अभी आप पढ़े होंगे क्या एटॉमिक ऑर्बिटल, कैसे बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल? ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है जब दो एटम में हाफ उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करके तो एटॉमिक एक एटम जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो क्या बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कैसे? लीनियर कॉम्बिनेशन से। जब लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे एटॉम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन और ऑक्युपाइड, कहां ऑक्युपाई करता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन और ऑक्युपाइड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन हमारा कहां एग्जिस्ट करेगा, कहां ऑक्युपाई करेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल में। एक पॉइंट बेटा। दूसरा पॉइंट यह है कि कैसे बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल में, या इंसर्शन रीजन में क्वेश्चन, या थ्योरेटिकल में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन एक गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? लास्ट वाले दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अभी हमने देखा कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक बॉन्डिंग एक दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फॉर्म, कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है? एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा यही चीज आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या? एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे? एडिशन से। जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन के एडिशन से बनता है क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका जब एडिशन से बनता है इसका रिजल्ट क्या आएगा? व्हिच रिजल्ट? जब एडिशन होगा तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है जब कि एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, उसका रिजल्ट क्या आता है? इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपको ऑप्शन में मिलता है। दूसरा जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? सब्सट्रैक्शन से। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है क्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? कैसे बनता है? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई और डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है जो एडिशन से बनता है, इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, और किसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसकी क्या होती है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज कर जाती है। अब देखिए कैसे बनता है, हम आपको स्ट्रक्चर बना के बताते हैं कैसे स्ट्रक्चर इसका बनता है, कैसे लीनियरली कंबाइन करके एटॉमिक ऑर्बिटल, कैसे लीनियर कंबाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है।
इसके आगे देखिए कैसे बनता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे देखिए वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल इधर, वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों कंबाइन किए क्या बनाए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब एक वन एस इधर से, वन एस इधर से, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी आपने देखा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियरली कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें से क्या होता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियरली कंबाइन किया तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म किया, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्टार वाला, इसको हम स्टार सिग्मा 1s, ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s, ये क्या है हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरीके से आप देखिए जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, इधर से 2s दो लीनियरली कंबाइन किया, एक बनाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s, दूसरा क्या है, सिग्मा स्टार 2p, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इसके बाद हम पी ऑर्बिटल में आते हैं, तो px पी ऑर्बिटल में, पी सबसे में तीन ऑर्बिटल होता है, px py pz, ठीक है। अब देखिए ये कैसे कंबाइन करता है, देखिए पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई और पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, इनका इसका ये मतलब है कि दोनों जब एनर्जी लेवल बराबर होता है, ये दोनों का सिग्मा टू पी एक्स और सॉरी पाई टू पी वाई तो और पाई टू पी एक्स का एनर्जी लेवल क्या है, बराबर है। अगर मान लीजिए लास्ट में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन बचा है, हम फिलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम इस ऑर्बिटल में फिलअप कर देंगे, ऐसा नहीं है, तो एक इसमें भरेंगे पहले, एक इसमें भरेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों के जो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई और पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई का जो एनर्जी लेवल है बराबर है, इसका मतलब इक्वलिटी है, इक्वल है, दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है। और उसके सबसे उससे पहले किसको भरा जाएगा, सिग्मा टू पी जेड को, उससे पहले किसको भरा जाएगा, सिग्मा टू पी जेड को पहले भरा जाएगा, फिर इसको भरा जाएगा, फिर ये देखिए हमारा सबसे लास्ट में, मतलब सबसे ज्यादा हाई लेवल एनर्जी लेवल किसका होता है, सिग्मा स्टार टू पी जेड का, ठीक है, सिग्मा स्टार टू पी जेड का। अगर इसका एनर्जी लेवल का हम बनाए कि ऑर्डर क्या होगा, कि इसका क्या एनर्जी लेवल का ऑर्डर होगा, ये चीज आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम एनर्जी लेवल का ऑर्डर देखें क्या होगा, सबसे पहले कौन भरा जाएगा, एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा, तो सबसे पहले कौन था, सिग्मा 1s, ठीक है, उससे ज्यादा किसका था, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, उससे ज्यादा किसका था, सिग्मा 2s, उससे ज्यादा किसका था, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, सिग्मा, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल का, पहले सबसे कम किसका था, नीचे देखिए सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद किसका है, सिग्मा 2pz, किसका है, सिग्मा 2pz का। अब देखिए एनर्जी लेवल किसका है, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई का बराबर, ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा किसका है, पाई स्टार टू पी एक्स, ये बराबर है पाई स्टार टू पी वाई के, और सबसे ज्यादा किसका है, सिग्मा स्टार टू पी जेड का। ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ये कौन सा ऑर्डर है हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो हम जब फिलअप करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ये ऑर्डर है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, ठीक है, उसके बाद क्या है, पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों का बराबर होता है, फिर उससे ज्यादा किसका है, पाई स्टार 2py x और पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा किसका है, सिग्मा स्टार 2pz का। ये तो हमारा जनरल है, अगर हम इसकी बात बात करें
कि सबसे आसान तरीका क्या होता है इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए, ठीक है, तभी हम आपको सबसे आसान इस जनरल प्रॉपर्टी हमने सीख ली कि जनरल ऑर्डर क्या होता है। जनरली आपसे यही पूछा जाता है, लेकिन स्पेशल केस अगर हमसे हम शॉर्ट तरीका आपको बताएं कैसे फिलअप किया जाता है, तो उसका ये तरीका है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन अगर हमको याद है कि अगर हमको मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए है, हमको 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, जैसे पहला कंडीशन फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, किसके लिए मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, जब तो यही ऑर्डर होगा, जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए तो यही ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या भरेंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या भरेंगे सिग्मा वन एस, ठीक है, सिग्मा वन एस, फिर सिग्मा स्टार वन एस, फिर क्या भरेंगे सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, सिग्मा टू पी जेड, ठीक है, तो ऑर्डर हमारा यही होगा, इस तरीके से भरेंगे ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद क्या था, पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, ठीक है, इसके बाद क्या था पाई टू पी एक्स इधर पाई टू पी वाई स्टार, और क्या था सिग्मा टू पी जेड स्टार, ये हमारा ग्रेटर देन। इसको हम आसान तरीका में आपको बताएं, आप सबसे आसान तरीका आप क्या करिए, 10 गोला याद रखिए, क्या 10 गोला बना लीजिए, ठीक है, 10 गोला आप क्या कर दिए, अगर आपको ये चीजें याद नहीं है, कॉम्प्लेक्स लगती है, टफ लगता है कि याद नहीं हो पाएगा, आप क्या करिए 10 गोला याद रखिए, फिलअप कर दीजिए, 5 गोला पहले कर दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिए इस तरीके से फिलअप करिए, ठीक है, 5 इधर करिए, इन दोनों के एनर्जी लेवल बराबर कर दीजिए, देखिए बात वही है, सिंपल तरीका, आप 10 गोला याद रखिएगा, ये याद करने का झंझट खत्म, 10 गोला आप फिलअप करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, अगर 4 लास्ट में बचाया तो 2 इसमें 2 इसमें, अगर 2 ही बचाया तो 1, फिर इसमें डबल करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल बराबर होने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे इसमें, ठीक है, इसको 5 गोला बनाइए, अल्टरनेट क्या करिए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये देखिए ये हमारा किसके लिए है, फॉर ग्रेटर देन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम होता है, 10 गोला याद रखिए, अल्टरनेट क्या है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए अगर हमको लेस 14 इलेक्ट्रॉन, या दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, फॉर 14 आर लेस देन 14 आर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, जब 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, बट एक जगह वेरिएशन होता है, ये क्या हो जाता है, सिग्मा टू पी जेड आ जाता है बीच में, ठीक है, तो क्या होता है सिग्मा वन एस, उसके बाद क्या होता है सिग्मा वन स्टार वन एस, फिर क्या होता है सिग्मा टू एस, फिर क्या होता है सिग्मा स्टार टू एस, उसके बाद क्या आता है पाई टू पी एक्स, ये देखिए पाई टू पी वाई, फिर यहां क्या आता है बीच में इसके क्या आता है सिग्मा टू पी जेड, फिर यहां से क्या आता है पाई स्टार टू पी एक्स, इसके बराबर क्या होता है पाई स्टार टू पी वाई, और ये लास्ट में क्या आता है सिग्मा टू पी जेड, ठीक है, सिग्मा, ये हमारा फॉर लेस देन 14 या 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए क्या करिए आप, 4 गोला पहले, 1 गोला बीच में, क्या करिए 1 गोला 2 1 4 हो गया, ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए इस तरीके से 1 गोला बीच में, फिर इन दोनों का एनर्जी लेवल बराबर, ये देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इसके बाद इधर सब क्या है हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटर, आपको
अगर ये चीजें याद नहीं है तो आप गोला से आसानी से कर सकते हैं। और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, पांच गोला आगे, फिर इस तरीके से इसमें क्या करिए, चार गोला, फिर बीच में एक गोला, यहाँ क्या होता है सिग्मा, फॉर लेस देन या 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 2pz कहाँ जाता है, उससे पहले किसको हम भरते हैं सिग्मा 2pz से 2px और 2py को फिलअप करते हैं, ठीक है। अब जैसे है दो एग्जाम्पल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने प्रूव किया था कि पैरामैग्नेटिक, उसका आप गोला से आपको करके बताते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसका यूज क्या है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे हमारे पास क्या है एग्जाम्पल पर, पहला एग्जाम्पल है ओ टू, दूसरा ओ टू या बी टू में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ओ टू और बी टू में, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हमको अगर एनर्जी लेवल का ऑर्डर याद नहीं है, ठीक है, एनर्जी लेवल का ऑर्डर याद नहीं है, आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, तो हमको गोला याद है, क्या करना है, अब O2 एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, आठ, तो O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मोर देन 14 वाला डायग्राम हमको चाहिए। फॉर O2 के लिए अब ध्यान दीजिए कितना गोला, 10 गोला, इधर देखिए 5, ठीक है, इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम। अब इसको दिखा दीजिए क्या, ये हमारा बॉन्डिंग, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग, इधर एंटी बॉन्डिंग, इधर हमारा क्या एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 14 है। अब फिलअप कर दीजिए, ये देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, ठीक है, दो 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 दो, ये कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, दो चार छ आठ दस, ठीक है, हमको कितना फिलअप करना है 16 इलेक्ट्रॉन, 10 इधर हो गए, दो इधर से, दो 10 12 14, अब बताइए हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, दो, इसका मतलब अब एक इसमें और एक इसमें, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए कितना आसान हो गया गोले से, ठीक है, गोले से आसान हो गया, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कितना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है आप काउंट कर सकते हैं, तो यहां हम क्या करते हैं कि हमारे पास कितना है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। अब इसके पास ऑक्सीजन के पास आपको देख के लगेगा कि O2 में 8 × 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आपके तुरंत लगा दें क्या डायमैग्नेटिक, बट इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से देखिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करें, गोले से कितना आसान होता है गोले से करना, ठीक है, बी टू है हमारे पास, इसमें पता करना है कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी टू बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन, बी टू मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है हमें लेस देन 14 वाला डायग्राम गोला याद होना चाहिए, तो चार गोला इधर, एक गोला बीच में और 5 उधर, तो क्या करिए, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, अब ध्यान दीजिए एक गोला इसके बीच में, ये देखिए, अब देखिए ये हमारा अल्टरनेट लगा दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इधर देखिए तीनों, ठीक है, अब फिलअप कर दीजिए इलेक्ट्रॉन, फिलअप कर दीजिए, कितना फिलअप करना है हमको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है बोरान बी टू में, तो दो इधर हो गया, दो इधर हो गया, दो इधर, कितना हो गया 2 4 6 8, अब देखिए इन दोनों का एनर्जी लेवल बराबर होता है, ठीक है, इन दोनों का एनर्जी लेवल बराबर होता है, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमको टोटल फिलअप करना है कितना 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसमें भरेंगे एक इसमें फिलअप करेंगे, इसका मतलब O2 और B2 में भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आपको देख के लगेगा क्या कि हमारा ये डायमैग्नेटिक है, बट होता क्या है पैरामैग्नेटिक, ये देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से प्रूफ हुआ है कि ये दोनों कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है गोला से, कितना आसान तरीका हो गया आपको, ठीक है एनर्जी लेवल का ऑर्डर याद नहीं बट एक गोला याद है, मोर देन 14 के लिए 5 इधर, 10 गोला टोटल, 5 इधर 5 इधर, और लेस देन 14 के लिए 4 इधर कर दीजिए, एक बीच में कर दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से फिलअप कर दीजिएगा, बट बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, आप गोला याद रखिएगा, कभी भी नंबर ऑफ बाउंड ऑर्डर निकालने के लिए अभी एप्लीकेशन है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इसका एप्लीकेशन क्या, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एप्लीकेशन क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, क्या हम फाइंड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा उसमें हम एप्लीकेशन आपको बताएंगे, थैंक यू।